नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 का सवाल है. क्वेश्चन से फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. सवाल है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन थर्ड एंड सेकेंड सेकेंड ऑफ द मोशन इज, और जी हमें क्या है 10 ले सकते हैं. नाउ सिंपल सवाल है. सिचुएशन ये है कि यहाँ से आपने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से यू इज इक्वल टू 10 से किसी पार्टिकल को फेंका. इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ पे 10 दी है और हमें बताना है कि जो आपका सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उनके बीच रेशो क्या होगा. नाउ ये एनएथ सेकेंड का आपने को फॉर्मूला पता है, एस एनएथ जो है उसको हम लिखते हैं यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन. तो आपका एस टू जो आएगा सेकेंड उसके लिए यू की वैल्यू हो गई 10 प्लस जी की वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे माइनस 10. अच्छा यू की वैल्यू भी माइनस 10 लेंगे बिकॉज ये वेलोसिटी डाउनवर्ड्स आपने नीचे दी है. डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1. सो इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा माइनस 10 और ये बचेगा माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो ये बच गया आपका 15 और ये हो गया माइनस 25. ये आपकी एस टू की वैल्यू हो गई. हाँ राइट. अब इसके बाद देखते हैं एस थ्री जो है वो कितना आएगा आपका. सो हम अब एस थर्ड की बात कर रहे हैं सो वो उसके लिए हम लिखेंगे सेम फॉर्मूले में यू की वैल्यू माइनस 10 प्लस ए की वैल्यू माइनस 10 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 माइनस 1. 2 इंटू 3 बनेगा 6 माइनस 1 यानी कि 5 और ये बचेगा सो हो गया माइनस 10 माइनस ये बचेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि हो गया माइनस 25 माइनस 10 35. इन दोनों का रेशो में लिखना है एस टू डिवाइडेड बाई एस थ्री. ये हो जाएगा माइनस 25 डिवाइड बाई माइनस 35. सो वैल्यू हो गई 5/7. सो अपना आंसर जो हो जाएगा, नहीं अपने को रेशो बताना है 3 और 2 का. ऑलराइट सो एस थ्री और डिवाइड बाई एस टू तो यानी कि वैल्यू हो जाएगी 7/5. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 7/5 वुड बी द राइट आंसर.